वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। तो हम स्टडी कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, सो इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं और जितने भी बेसिस होते हैं उनके अंदर क्या चीज कॉमन होती है। तो सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं। अगर यहाँ पे मेटल है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे एसिड के अंदर जो कॉमन होता है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कॉमन है फॉर ऑल द एसिड्स। सो इसी के लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो कलेक्ट कर लिए हैं, लाइक ग्लूकोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड अल्कोहल। सो इन सॉल्यूशन को हमने कलेक्ट कर लिया है। देन हमने क्या किया, यहाँ पे टू नेल्स ली हैं, उनको फिक्स कर दिया हमने कॉर्क के ऊपर। ये कॉर्क प्रेजेंट है, इसके ऊपर हमने इसको फिक्स कर दिया और इस कॉर्क को हमने प्लेस कर दिया है इस 100 ml बीकर के अंदर। इस बीकर के अंदर इसको प्लेस करने के बाद हमने क्या किया, जो दोनों नेल्स है इसको कनेक्ट किया 6 volt बैटरी के साथ विथ थ्रो ए बल्ब एंड अ स्विच। तो इस तरीके से हमने इन दोनों नेल्स को कनेक्ट कर दिया है। एंड देन हम क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन को पोर करेंगे। डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन दिया हमने और कुछ सॉल्यूशन इस बीकर के अंदर डाल दिया। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये स्विच ऑफ है इसको ऑन करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि करंट पास हो रही है या नहीं। तो अभी हमको यहाँ से क्या ऑब्जर्व होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो हमको यहाँ से ये ऑब्जर्व होगा जो यहाँ पे ये जो बल्ब प्रेजेंट है ये ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो। सो सबसे पहले जो हमने केस लिया है वो लिया है डाइल्यूट HCl के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो डाइल्यूट HCl है इसको रिमूव कर देंगे एंड देन एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करेंगे डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। सो यहाँ पे जो हमको ऑब्जर्व होगा दैट इज यहाँ पे भी जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ओके, सो यहाँ पे भी बल्ब ग्लो किया। अब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था ग्लूकोज एंड अल्कोहल, अब हम सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ग्लूकोज और अल्कोहल के लिए। तो यहाँ पे हम जो H2SO4 है उसको रिप्लेस कर देंगे ग्लूकोज के साथ एंड देन हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और ऐसे ही सेम करेंगे अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज का जो केस है यहाँ पे जो है बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, बल्ब डज नॉट ग्लो। सो अभी हम ये देखेंगे कि डज द बल्ब ग्लो इन ऑल द केसेस, ये जो चारों केस है इनके अंदर बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं। सो इन चारों केस के अंदर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे जो है अल्कोहल और ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं हो रही है और यहाँ पे जो हमारे पास एसिड प्रेजेंट है लाइक HCl, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ड्यू टू दिस H पॉजिटिव आयन एंड यहाँ पे जो ये है कैटायन प्रेजेंट है और यहाँ पे जो एनायन प्रेजेंट है दैट इज क्लोरीन इन HCl। एंड ऐसे ही अगर हम बात करें SO42 नेगेटिव इन H2SO4, NO3 नेगेटिव इन HNO3। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो तो कैटायन है, वो इन तीनों एसिड्स के अंदर प्रेजेंट है एंड देन यहाँ पे ये इसके एनायंस है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है कंडक्ट हो रही है ड्यू टू दिस H पॉजिटिव आयन। सो इसीलिए सिर्फ एसिड के केस में ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो रही है और इसी वजह से ये जो बल्ब है ग्लो हो रहा है। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट हैपन टू एसिड और बेसिस इन वॉटर सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे एसिड और बेस अगर प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है वॉटर सॉल्यूशन के अंदर तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या एक्सपेरिमेंट होता है। सो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसको हमने फिक्स किया है विद द हेल्प ऑफ टोंग्स। सो इसको हमने टोंग्स की हेल्प से पकड़ लिया है। देन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है दैट इज NaCl। NaCl लेने के बाद हमने क्या किया, ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे ऐड कर दी और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको स्टर किया। ओके, स्टर करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉर्क लगा दिया एंड कॉर्क लगाने के बाद यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे कोई भी गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से बाहर आ जाएगी
और ये जो यहाँ पे गैस बाहर आएगी इसको हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेट और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ से अगर कोई गैस बाहर आ रही है तो उसको हम चेक कर लेंगे कि कौन सी गैस बाहर आ रही है। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि जो टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। एंड देन हमने क्या किया, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंजेस कलर। सो यहाँ पे कौन से केस में जो है लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, ड्राई के अंदर चेंज हो रहा है या वेट के अंदर चेंज हो रहा है, अब हम ये देखेंगे। ऑन द बेसिस ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है, अब हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है, ड्राई एचसीएल गैस है या फिर एचसीएल सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे हमको ये ऑब्जर्व होगा कि जो एचसीएल गैस यहाँ पे हमको मिल रही है, अगर यहाँ पे वॉटर प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेंगे H3O पॉजिटिव। यहाँ से जो H है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ वाला और यहाँ पे बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है इन वॉटर सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे जो ड्राई एचसीएल की बात करें तो मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन आयन तो प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि ये तो ड्राई एचसीएल है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ रिमूव होता है वॉटर के अंदर, वॉटर है ही नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राई एचसीएल के अंदर नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। और यहाँ पे जो एचसीएल प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है मतलब यहाँ पे वॉटर प्रेजेंट है, यहाँ से एच पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे हमको कलर चेंजेस देखने में शो होगा। अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन और शो करते हैं, दैट इज एच पॉजिटिव यहाँ पे आयन प्रेजेंट है वो रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं होता, H यहाँ पे ऐसे सिंगल एग्जिस्ट नहीं होता है, या तो ये एग्जिस्ट होता है H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। ओके, सो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, यहाँ से निकल रहा है इसी वजह हाइड्रोजन आयन जो है वॉटर के अंदर जब डिजोल्व होता है कोई भी एसिड, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल रहा है और हमको कलर जो है चेंज शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें बेस के अंदर क्या चेंज हो रहा है, सो हम अगर हम बेस के अंदर देखते हैं कि हमको क्या चेंजेस शो हो रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे बेस, यहाँ पे अगर हम ले लें NaOH और अगर हम इसको यहाँ पे वॉटर प्रोवाइड करें, सो जो NaOH है वो स्प्लिट हो जाएगा Na पॉजिटिव अक्वस प्लस OH नेगेटिव अक्वस। एंड अगर और अगर किसी दूसरे बेस की बात करें लाइक KOH, सो H2O K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ऐसे ही MgOH ट्वाइस, सो यहाँ पे भी हम H2O प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। सो यहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो बेस है उसके अंदर कॉमन होता है OH नेगेटिव और जो मतलब जो एसिड्स हैं उसके अंदर कॉमन होता है H पॉजिटिव आयन। ओके, और यहाँ पे अगर हम एसिड और बेस रिएक्शन की बात करें तो वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम उसको भी शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे, एसिड प्लस बेस। तो यहाँ पे एसिड है H पॉजिटिव प्लस बेस है OH नेगेटिव। लाइक हम यहाँ पे और बात करते हैं, एसिड यहाँ पे है HCl प्लस बेस है NaOH। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा दैट इज NaCl प्लस H2O। सो एसिड प्लस बेस दे गिव्स सॉल्ट प्लस वॉटर और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी हम एक एक्टिविटी और परफॉर्म करने वाले हैं जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम वॉटर के अंदर एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है,
अगर हम एसिड के अंदर अगर वाटर डिसोल्व करते हैं तो क्या होता है। ये दोनों चीजें जो है वो बहुत ही अलग अलग हैं, तो अभी हम उसी को देखने वाले हैं। अभी हम ये देखने वाले हैं कि जो अगर यहाँ पे हमने वॉटर लिया है, अगर उसके अंदर हम एसिड को डिसोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है। बीकर के अंदर हमने 10 ml वॉटर लिया है। 10 ml वॉटर लेने के बाद हमने क्या किया, 2-3 ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉपर की हेल्प से इसके अंदर एड की। तो यहाँ पे ये ड्रॉपर लगा है और यहाँ से हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर रहे हैं, 2-3 ड्रॉप्स। ओके, सो यहाँ पे ऐड करने के बाद हमने इसको स्टर किया एंड देन हमने इस बीकर को साइड से टच करके देखा कि हमको टेम्परेचर में क्या फील हो रहा है, हमको क्या शो हो रहा है। सो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है राइज हो रहा है और ये जो बीकर है वो थोड़ा सा वार्म हो गया है। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब हीट जो है वो बाहर निकल रही है, इसी वजह से ये जो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक होगा। अगर यहाँ पे हीट इवॉल्व होती, मतलब हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती, अगर यहाँ पे ये जो मिक्सचर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता तो यहाँ पे प्रोसेस होता एंडोथर्मिक, बट यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज एक्सोथर्मिक। सेम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया विद NaOH पैलेट, सोडियम की पैलेट्स के साथ, तो यहाँ पे भी जो प्रोसेस है वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा, यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है हीट निकलेगी। ठीक है, ये तो हमने बात की कि हमने वॉटर के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड किया। अब हम यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे हमने बीकर लिया एंड देन हमने यहाँ पे कुछ अमाउंट 5 ml हमने ले लिया H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा वॉटर इसके अंदर ऐड किया। अब यहाँ पे जो हमने वॉटर ऐड किया है तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो H2SO4 है क्लिनिकली बहुत एक्सप्लोजिव होता है, इसीलिए हम कभी भी एसिड के अंदर वॉटर ऐड नहीं करते। ये जो एक्सप्लोजन है बहुत ज्यादा हो जाता है और ये जो बीकर है ये भी कई बार ब्रेक हो जाता है एंड कई बार हमको बर्न होने के चांसेस भी हो जाते हैं, इसीलिए कभी भी H2SO4 या फिर HNO3 कंसेंट्रेटेड HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनके अंदर कभी भी हमको वॉटर ऐड नहीं करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, वॉटर के अंदर कंसेंट्रेटेड H2SO4 को 2-3 ड्रॉप्स करके ऐड कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस हमको नहीं करना है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम वॉटर के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो कंसंट्रेटेड H2SO4 था, तो यहाँ पे हमने वॉटर, यहाँ पे नीचे वॉटर था, तो यहाँ पे जो है इस H2SO4 का डाइल्यूशन हो गया है, डाइल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे जो एच पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन थी वो वॉटर के अंदर कम हो गई है। ओके, तो यही एक्सपेरिमेंट था कि अगर हम वॉटर के अंदर एसिड मिक्स करते हैं तो क्या होता है, और इसी मेथड को हम फॉलो करते हैं इन लेबोरेटरी, और इस मेथड को हम कभी भी फॉलो नहीं करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो सोल्व करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं उनको राइट कर लेती हूँ। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl एंड HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन अक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। सो इसके अंदर क्या होगा, सो आंसर फर्स्ट इज, यहाँ पे जो HCl है और HNO3 है जब ये वॉटर के अंदर डिजोल्व होते हैं तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है H पॉजिटिव आयन। लाइक हम अगर इसकी रिएक्शन देखें,
सो HCl प्लस H2O, सो यहाँ पे या तो यहाँ पे बनता है H3O पॉजिटिव आयन प्लस में Cl नेगेटिव, या फिर ऐसा भी हो सकता है H पॉजिटिव आयन यहाँ पे बनाओ प्लस H2O पॉजिटिव H3O पॉजिटिव। सो यहाँ पे कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन जो है प्रोड्यूस होते हैं जब कोई भी एसिड वाटर के अंदर डिजोल्व होता है। सो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट हो रही है और इसी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें अल्कोहल और ग्लूकोज की, अगर अल्कोहल और ग्लूकोज को हम अगर वॉटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये आयन्स के अंदर सेपरेट ही नहीं होते, इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ओके, आंसर फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड, हम व्हाई डज एन अक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे अक्वस सॉल्यूशन है किसी भी एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? तो जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में भी पढ़ा है, सेम एज इट इज यही है। अगर यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जनरेट हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, या फिर H3O पॉजिटिव यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन जो है जनरेट हो रहे हैं इसी वजह से, जो एसिड जो है अगर अक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो रही है। ओके, सो हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। व्हाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? जो ड्राई HCl है वो जो ड्राई लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज क्यों नहीं करती? अगर यहाँ पे अगर हम आंसर थ्री की बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट है ड्राई HCl और हमने ये देखा है कि जो HCl है या फिर कोई भी अगर एसिड प्रेजेंट है वो वॉटर के अंदर डिजोल्व होता है तभी यहाँ से आयन जो है बाहर निकलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है और चेंजेस जो है शो होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ड्राई HCl प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से कोई भी H पॉजिटिव आयन बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि यहाँ पे वॉटर प्रेजेंट ही नहीं है। सो इस वजह से ड्राई लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इट इज रिकमेंडेड द एसिड शुड बी एडेड टू वॉटर नॉट वॉटर टू एसिड? ये जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो एसिड है उसको हम डाइल्यूट करते हैं। ओके, और कैसे डाइल्यूट करते हैं? पहले हम वॉटर लेते हैं, उसके अंदर हम एसिड को मिक्स करते हैं। सो ऐसा क्यों होता है ये भी हम देख लेते हैं दोबारा। सो आंसर फोर्थ इज, यहाँ पे बीकर प्रेजेंट है और यहाँ पे हमने लिया वॉटर, देन हमने ऐड किया कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम वॉटर के अंदर कंसेंट्रेटेड एसिड को अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगी दैट इज एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ से हीट निकलेगी और ये जो बीकर है वो थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। अगर हम इस प्रोसेस को अगर अपोजिट कर दें, तो यहाँ पे अगर बीकर है और यहाँ पे हमने एसिड ले लिया नीचे और यहाँ पे हम वॉटर एड कर रहे हैं, तो ये जो कंसेंट्रेटेड यहाँ पे जो एसिड प्रेजेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव होगा। अगर उसके अंदर हम डायरेक्टली अगर वॉटर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, ये जो बीकर है ये भी कई बार ब्रेक होने के चांसेस होते हैं और कई बार हमारी स्किन जो है बर्न होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वॉटर के अंदर हमेशा एसिड को ऐड करना चाहिए, वो भी कॉन्टिन्यूस ऐड नहीं करना चाहिए, दो तीन ड्रॉप्स ऐड करने के बाद स्टर करना चाहिए एंड दो तीन ड्रॉप्स वापस से ऐड करना चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? सो हमने यहाँ पे देखा कि जो हम एसिड है उसको डाइल्यूट करते हैं, अगर एसिड जो वॉटर है उसके अंदर अगर हम एसिड को अगर मिक्स करते हैं तो जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है। सो यहाँ पे H3O पॉजिटिव जो आयन है उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो भी डिक्रीज हो गई है। ओके, सो यहाँ पे आंसर फिफ्थ यही है कि जो हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो गई है आफ्टर द एड ऑफ वॉटर या आफ्टर डाइल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो भी डिक्रीज हो गई है। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर फिफ्थ। अब हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की।
हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हो, यहाँ पे कंसेंट्रेशन आपको बतानी है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन पे क्या अफेक्ट होता है। सो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोक्साइड NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो यहाँ ये बेस प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे बेस की बात करते हैं सो ये बेस के अंदर प्रेजेंट होता है OH नेगेटिव आयन। अगर हम यहाँ पे OH नेगेटिव आयन के अंदर और भी ज्यादा बेस को ऐड कर रहे हैं सो जो OH नेगेटिव आयन है उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब हम बेस को ऐड कर रहे हैं और OH नेगेटिव की जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। सो आंसर सिक्स यही होगा कि OH नेगेटिव की जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है विथ एडिशन ऑफ बेस। यही थे हमारे आज के क्वेश्चन, होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट प्रेजेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।